हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्यान्मिकी। मैं आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो इस दीपावली में मैं बना के ला रही हूँ ये मैदे की बर्फी है, जो बहुत ही अच्छी बनती है और खाने में स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस दीपावली पे आप इसे जरूर बनाएं। तो ये देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैदा है एक कटोरी, पिसी हुई चीनी ये 4 चम्मच है और 4 चम्मच हमारा मिल्क पाउडर है और घी लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक पैन में हमने घी डाल दिया है, ये 2 चम्मच हमारा घी है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मिठाई जो है घी में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने घी डाला है। तो घी को मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे हम डालेंगे मैदा। मैदे को अच्छे से हमें भून लेना है। तो ये देखिए, मैदे को भूनने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस हम इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे। उसके बाद गैस को हम कर देंगे बंद और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डालते हैं मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर 4 चम्मच डालना है और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर भी हमारा अच्छे से गर्माहट से थोड़ी सी पक चुकी है। तो अब इसको हम साइड में रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम दूसरे पैन में चीनी लेंगे, पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। मैंने दिखाने के लिए पिसी हुई चीनी लिया था और ये भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक कटोरी, जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से हमें चीनी भी लेनी है भरकर। तो एक कटोरी चीनी और इससे हमें इतना कम, थोड़ा सा पौना कटोरी पानी लेना है। तो ये देखिए, कटोरी ये 1.25 कप है हमारा, डाल देंगे और इसे पकाएंगे। बस हमें इसे उतना पकाना है कि हमारी एक तार की चाशनी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना है, एक तार की चाशनी हमें बनानी है। तो ये देखिए, चीनी हमारी लगभग घुल चुकी है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इलायची का एसेंस, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास केवरा एसेंस है तो आप केवरा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चाशनी अब हमारा हो चुका है। तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं इस तरह। ये देखिए, इस तरह ये हमारा एक तार का चाशनी बन चुका है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और जो हमने बनाकर रखा है उधर मैदे को भून कर रखा है उसे डालेंगे। ये देखिए, इसे डाल देते हैं। कभी भी आप गर्म में इसे मत डालिएगा, गैस ऑन करके कभी भी मत डालिएगा, नहीं तो ये हमारा। और ये देखिए, इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब गैस को हम ऑन कर लेते हैं और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे लगातार चलाते रहा है और ये देखिए, हमारा पैन छोड़ चुका है ये। तो मैं इसे और थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये देखिए, कढ़ाई जब तक ये पैन हमारा ना छोड़ दे अच्छे से और ये हमारी बर्फी बनने की कंटेंसी में ना आ जाए, तब तक हम इसे और पकाएंगे। गैस के फ्लेम को हमने लो ही रखा है, आप हाई करके मत पकाइए, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा अच्छे से हो चुका है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बीच में ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, पिस्ते वाली। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और हम इसे जमाएंगे। तो ये देखिए, इसे जमाने की मैं केक का मोल्ड ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे प्लेट में भी अच्छे से सेट कर सकते हैं। इस तरह हम इसे डाल देते हैं। आप इसे किसी भी चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से सेट कर ले और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं इसे इसका शेप दूंगी चम्मच की सहायता। तो ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, ठंडा भी हो गया और सेट हो गया है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, बर्फी को हमने इस तरह से कट कर लिया है।
आप चाहे तो इसे आपके पास जो भी चीज है कट करने वाला उससे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है हमारा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर घंटी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।